झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में पिछले 148 दिनों से जेल में बंद है। जमीन घोटाला मामले में 13 जून को सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अंचल जमीन घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने उनको 148 दिनों के बाद जमानत दे दी है। बताया जा रहा है कि वो अब कभी भी जेल से बाहर आ सकते हैं। झारखंड में इस वक्त जश्न का माहौल है। बता दें कि हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई 13 जून को ही पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले को जस्टिस आर मुखोपाध्याय की पीठ देख रही थी। हेमंत सोरेन रांची जमीन घोटाला मामले में आरोपी है। ईडी का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने अनाधिकृत रूप से बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन अब सोरेन को कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसे पूरे इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेता सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन ने ईडी की हिरासत में ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इसकी कमान जेजेएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को सौंप दी थी। अब झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को जमानत मिलना पार्टी के लिए बड़ी राहत है, तो वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन का जेल से बाहर आना बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।